हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ़ सिग्नल सिस्टम हम लोग सिग्नल सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे चलिए ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स यूलर्स थ्यूरम कौन सा यूलस थ्योरम रिप्रेजेंट करता है तो क्या हो जाएगा आपका बोथ ए एंड सी पहला भी डिनोट करता है और तीसरा भी डिनोट करता है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पे आपका पहला जो ऑप्शन है वो क्या है ई टू डी पावर जे थीटा इज कॉल टू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा और और जो तीसरा ऑप्शन आपका सही है वो क्या है ई टू डी पावर माइनस जे थीटा इज कॉल टू कोस थीटा माइनस जे साइन थीटा अब देखिए ऊपर वाले को इक्वेशन वन मान लीजिए और नीचे वाले को इक्वेशन टू मान लीजिए दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा ये दोनों को ऐड करने पे आपको आ जाएगा ऐड कीजिएगा तो ये दोनों पार्ट क्या होगा कट जाएगा तो यहाँ पर कॉस्टिटा प्लस कॉस्ट थीटा तो टू कॉस्ट थीटा हो जाएगा इधर आपका बचेगा इ टू डी पावर जे थीटा प्लस इ टू डी पावर माइनस जे ठीटा इजक्ल टू टू कॉस्टिटा तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इ टू डी पावर जे थीटा प्लस इ टू डी पावर माइनस जे ठीटा बाई टू बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप साइन का कॉस का आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लेप्लास से या जेड ट्रांसफॉर्मर से तो वो यहाँ पे आपको ये लगाना पड़ेगा यूलर्स थ्योरम यूलर्स थ्योरम को कॉस थीटा इज टू ई टू डी पावर जे थीटा प्लस ई टू डी पावर माइनस जे थीटा बटे टू और जब हम लोग साइन थीटा इज टू क्या हो जाएगा देखिए इसी को जब दोनों इक्वेशन को आप इक्वेशन वन जो है आपका ई टू डी पावर जे थीटा इज थीटा प्लस जे साइन थीटा और ई टू डी पावर माइनस जे थीटा है टा माइनस जे साइन थीटा जे साइन क्या है ई टू डी पावर जे थीटा इज इजकअल टू कॉस्टिटा प्लस जे साइन थीटा और इ टू डी पावर माइनस जे थीटा इज इजक्ल टू क्या है कॉस्थीटा माइनस जे साइन थीटा अब दोनों इक्वेशन को माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस कीजिएगा तो ये आपका माइनस हो गया ये आपका माइनस प्लस हो गया तो ये आपका कट जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा ई टू डी पावर ई टू डी पावर जे ठीटा यहाँ माइनस नहीं जे है ई टू डी पावर जे ठीठा माइनस ई टू डी पावर माइनस जे ठीटा इजक्ल टू टू जे साइन थीठा तो यहाँ से साइन थीठा इजक्ल टू क्या जाएगा साइन थीठा इजक्ल टू ई टू डी पावर जे ठीठा क्या आ जाएगा ई टू डी पावर जे ठीटा माइनस इ टू टी पावर माइनस जेटा बटे टू जे इज इक्वल टू क्या साइन ठीटा इजकअल तो याद रखिए यहाँ से जब आप लेप्लास और जेड ट्रांसफॉर्म में साइन ओमेगा या कॉस ओमेगा टी का आप लेप्लास निकालेंगे तो उसको यूलर्स में तोड़ के फिर आपको निकालना होगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू देखिए द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इज गिवेन बाय यूनिट स्टेप का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है यू ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है यू ऑफ टी इज इक्वल टू वन होता है टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और इसका वैल्यू जीरो होता है टी लेस देन जीरो तो यू ऑफ टी का वैल्यू क्या, तो क्या होता है वन होता है तो वन का लेप्ट क्या होता है वन बाई एस तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है द इंटीग्रल ऑफ यूनिट इम्पल्स इज यूनिट इम्पल्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा तो यू ऑफ टी मिलेगा यूनिट स्टेप मिलेगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज राइट आंसर और जब हम लोग यूनिट स्टेप को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा रैंप फंक्शन मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर द एरिया ऑफ एन इम्पल्स फंक्शन इज इम्पल्स फंक्शन का एरिया क्या होता है वन होता है इंट्रीगेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी डेल ऑफ टी डी टी इजक्ल टू वन होता है मीन्स इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए ए इज राइट आंसर याद रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द इनिशियल वैल्यू थ्योरम इज इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होता है लिमिट टी टेंस टू जीरोक्ल टू क्या होता है लिमिट एस टेंस टू इंफिनिटी एस इंटू एफ ऑफ एस तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स इफ आई ऑफ एस इज़ इजकल टू फाइव एस प्लस टू हंड्रेड फिफ्टी बटे एस एस प्लस वन हंड्रेड देन द फाइन फाइनल वैल्यू ऑफ आई ऑफ टी फाइनल वैल्यू निकालना है तो आपको आई ऑफ एस इज़ इजकअल टू दिया हुआ है फाइव एस प्लस दो सौ पचास बटे एस एस प्लस एक सौ और फाइनल वैल्यू आपको कैसे निकलेगा आई ऑफ़ टी जो है फाइनल वैल्यू कैसे निकलेगा मीन्स आई ऑफ़ इन्फिनिटी इसको बोलिए या आई ऑफ टी लिखिए इस कॉल टू क्या हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू आई ऑफ एस पुट कर दीजिए यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू आई ऑफ एस कितना दिया है फाइव एस प्लस दो सौ पचास बट्टे एस एस प्लस हंड्रेड एस एस क्या हो गया कट गया यहाँ पे क्या बचा लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो फाइव एस प्लस दो सौ पचास बट्टे एस प्लस एक सौ एस का वैल्यू जीरो पुट कीजिए एस का वैल्यू जीरो पुट कीजिए क्या हो जाएगा फाइव जीरो प्लस दो सौ पचास तो दो सौ पचास ही बचा तो दो सौ पचासपन से कितना हो जाएगा बारह सौ पचास बट्टे यहाँ एस का वैल्यू जीरो होगा तो जीरो प्लस वन हंड्रेड तो वन हंड्रेड होगा तो वन हंड्रेड इसको काटेगा तो कितना आ जाएगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन इफ ए कॉम्प्लेक्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ ऑफ टी इज कल टू फाइव प्लस फाइव साइन ओमेगा वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर्मी से वैल्यूजक्ल टू क्या हो जाएगा डी सी का स्क्वायर मीन्स फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव बाई रूट टू का होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा पच्चीस प्लस पच्चीस बटे दो कितना हो जाएगा पचास प्लस पच्चीस पचहत्तर रूट पचहत्तर बटे टू इजक्ल टू रूट थर्टी सेवन पॉइंट फाइव इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा सिक्स पॉइंट वन टू के अप्रोक्स कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए नंबर ए फंक्शन विल हैव ओनली साइन टर्म टर्म इफ एक फंक्शन के पास साइन है तो कौन सा होगा ऑफ टी तो हो को आप t से रिप्लेस कीजिए तो साइन माइनस साइन टी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ माइनस टी आ गया तो एफ ऑफ टी इज टू क्या आ जाएगा माइनस एफ ऑफ माइनस टी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन इफ ए नंबर ऑफ इवेंट फंक्शन आर एडेड द रिजल्टिंग फंक्शन विल बी जब हम लोग इवेंट फंक्शन को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा इवन ही होगा ए जब हम लोग दो इवेन फंक्शन को ऐड करेंगे या प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेन ही आएगा जब हम लोग दो ऑड फंक्शन को ऐड करेंगे तो ऑड आएगा जब प्रोडक्ट करेंगे दो ऑड फंक्शन को तो इवेन देगा याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन देखिए द इनवर्सल ट्रांसफॉर्म ऑफ सिक्स बाय सिक्स बाय एस स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन इसको क्या लिख सकते हैं सिक्स बाई एस प्लस क्या लिख सकते हैं सिक्स बाय एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा हो जाएगा अब देखिए टी इजक्ल टू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्या होता है वन बाई एस स्क्वायर तो यहाँ पे एस स्क्वायर जो है ये जो एस शिफ्ट किया किसने तीन से शिफ्ट किया है तो इसका क्या हो जाएगा आपको ये सिक्स तो आपको रही 6 रह ही जाएगा सिक्स रख दीजिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इन्वर्स लेप्लास लिखना है तो इनवर्स लेप्लास ऑफ वन बाई एस प्लस थ्री का स्क्वायर इक्वल टू तो क्या हो जाएगा सिक्स इन टू वन बाई एस प्लस थ्री का स्क्वायर है तो टी का क्या होता है वन बाई एस स्क्वायर होता है यहाँ पे प्लस थ्री से शिफ्टिंग है तो क्या हो जाएगा टी ई टू डी पावर माइनस थ्री टी क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा सिक्स टी ई टू डी पावर माइनस थ्री टी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन इफ फंक्शन एफ ऑफ टी इज टू एफ ऑफ टी प्लस टी एफ ऑफ टी इज टू करा, रहा है एफ ऑफ टी प्लस टी अगर है तो कौन सा कंडीशन तो ये पीरियोडिक होगा ये क्या होता है कैपिटल टी से ये इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा पीरियोडिक हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इज यूनिट स्टेप फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा तो यूनिट स्टेप का क्या हो जाएगा वन बाई जे ओमेगा देखिए कैसे होगा यू ऑफ टी इज कल टू तो जानते ही हैं वन होता है टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए और जीरो होता है टी लेस देन जीरो के लिए तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में हम लोग एफ ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ जे ओमेगा इसका जो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इनफिनिटी एक्स ऑफ टी टू डी पावर माइनस जे ओमेगा टी डी ये होता है इस पर आप बैठा दीजिए तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपको यू ऑफ टी का निकालना है तो ऑफ ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो से इन्फिनीटी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो यू ऑफ टी डिफाइंड होता है वो टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए होता है एक्स ऑफ टी के जगह पर क्या है यू ऑफ टी यू ऑफ टी का वैल्यू क्या है वन है वन इन टू ई टू टी पावर माइनस जे ओमेगा मेगा टी डी टी जी ओ ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इ टू डी पावर माइनस जे ओमेगा टी बटे माइनस जे ओमेगा लिमिट आपका हो जाएगा ज़ीरो से इन्फिनिटी पुट कर दीजिए माइनस वन बाई जे ओमेगा बाहर कर लीजिए और यहाँ पे एक बार इन्फिनिटी पुट कीजिए एक बार जीरो पुट कीजिए क्या आ जाएगा इ टू डी पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टू डी पावर माइनस जीरो क्या हो जाएगा माइनस वन बाई जे ओमेगा जीरो माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसकॉल टू वन बाई जे ओमेगा आ जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्या था ट्वेल्थ था देखिए जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इंपल्स इज यूनिट इंपल्स सीक्वेंस आपका ये होता है याद रखिए डेल ऑफ एन इज वन होता है एन इजक्ल टू जीरो पे और जीरो होता है वैल्यू एन इजल टू नॉट इजक्ल टू जीरो मीन्स एन का जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू होगा तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा तो यूनिट इंपल्स सीक्वेंस का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है वन होता है One होता है याद रखिए हम ऑलरेडी वीडियो में भी इसको बता चुके हैं आप वहां से भी देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन सी पी इज क्या हो जाएगा वन प्लस जेड इनवर्स एन ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द शॉर्ट सर्किट करेंट थ्रू द टर्मिनल ए बी इज ए बी के थ्रू शॉर्ट सर्किट टर्म बोला कितना करंट होगा तो देखिए यहाँ पे सिक्स वोल्ट है यहाँ पे आपका दो ओम का रजिस्टर है यहाँ पे पाँच ओम है ये सिक्स वोल्ट है यहाँ पे टू ओम है यहाँ पे पाँच वोल्ट है सॉरी पाँच एम्पेयर है पाँच ओम है और यहाँ ए बी के क्रॉस कह रहा है शॉर्ट सर्किट करेंट इसको जब आप शॉर्ट कीजिएगा तो यहाँ पे जो आपका इसमें जो करंट आएगा वही करंट इसमें भी हो जाएगा सेम हो जाएगा तो इसके क्रॉस करंट निकालने के लिए क्या करेंगे इसके क्रॉस अगर करंट निकालेंगे तो सेम हो जाएगा तो यहाँ पे आपका सर्किट कैसा हो जाएगा कुछ इस तरह का हो जाएगा ये आपका पाँच ओम है और यहाँ पे टू ओम है और यहाँ पे कितना है सिक्स वोल्ट है तो इसके क्रॉस आपको निकालना है कितना होगा तो वोल्टेज कितना है सिक्स वोल्ट है और रेसिस्टर कितना है आपका पांच ओम है तो यहां पे देखिए एक मिनट यहां पे देखिए तो यहां पे क्या हो जाएगा यहां पे देखिए ये आपका सिक्स वोल्ट हो गया ये टू ओम हो जाएगा और इसको जो हम लोग शॉर्ट करेंगे तो आपका ये भी क्या हो जाएगा ये टर्मिनल भी शॉर्ट हो जाएगा यहाँ भी तो ये आपका इस तरह का हो जाएगा ये आपको आई एस सी यहाँ से निकालना है शॉर्ट सर्किट करेंट ये टू ओम है ये सिक्स वोल्ट है तो आई एस सी इजकअल टू क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट करेंट आई इजकअल टू क्या वी बाई आर तो सिक्स बट्टे टू इजकअल टू थ्री एम्पेयर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आपका थ्री एम्पेयर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस ऑफ नेटवर्क सोन एट द टर्मिनल एक्स एंड वाई इज तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ आ जाएगा जाएगा ए हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन द सर्किट कॉन्टेंट ट्वेल्व सर्किट एलिमेंट विथ फाइव नोड देन द मिनिमम नंबर ऑफ मेस इक्वेशन इज गिवेन बाय मेस इक्वेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e माइनस एन माइनस वन ये क्या है आपका नंबर ऑफ सर्किट एलिमेंट ये है सर्किट एलिमेंट है एन आपका नंबर ऑफ नोड है तो सर्किट एलिमेंट कितना दिया है बारह माइनस एन कितना है नोड कितना है पाँच पाँच माइनस एक तो क्या हो गया बारह माइनस चार बारह माइनस चार हुआ ना ई माइनस एन माइनस वन है बारह माइनस चार कितना हो गया आठ तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ एफ ऑफ टी इज क्वाल टू 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 डी पावर एन देन लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू डी पावर एन क्या होता है फैक्टोरियल एन बटे एस टू डी पावर एन प्लस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे किसी का भी आप निकाल सकते हैं टी स्क्वायर का आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म पूछेगा तो यहाँ पे पहले ऑप्शन कौन हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बी आपका राइट आंसर अब सपोज कीजिए टी स्क्वायर का आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है टी स्क्वायर का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो बस इस पर पुट कर दीजिए क्या होता है टी टू डी पावर एन का क्या होता है फैक्टोरियल एन बटे एस टू डी पावर एन प्लस वन तो यहाँ पे एन के जगह पर कितना है टू है तो फैक्टोरियल टू बटे एस टू डी पावर टू प्लस वन इज कॉल टू फैक्टोरियल टू का वैल्यू टू बटे एस क्यू अगर टी स्क्वायर का पूछेगा टी क्यू का पूछेगा टी टू पावर फोर का किसी का भी पूछेगा तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द वैल्यू ऑफ फूरियर कोफिशिएंट ए नॉट फॉर ए हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव इज गिवेन बाय हाफ कह रहा है फूरियर कोफिशिएंट ए नॉट का वैल्यू क्या होगा हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव के लिए तो ए नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भी एम बटे पाई हो जाएगा ऑप्शन ए 19 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट है फॉर द सीरीज आर एल सी सर्किट जेड ऑफ एस विल बी इन द फॉर्म ऑफ तो इसको देखना पड़ेगा ये ऑप्शन को एक बार चेक करना पड़ेगा तो इसको अभी निगलेक्ट करके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डिफाइन लेप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फाइनलास्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन यूनिट स्टेप फंक्शन यूनिट इम्पल्स फंक्शन यूनिट रैम फंक्शन सब हो चुका है ऑलरेडी आप लेक्चर जाके देख सकते हैं फाइन द ड्राइविंग पॉइंट इमिटेंस ऑफ द नेटवर्क सोन इसका आपको ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिट स्टेप का यूनिट इम्पल्स का यूनिट रैम का आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो स्टेप का वन बाई एक्स हो जाएगा यूनिट इम्पल्स का वन होगा और यूनिट स्टेप का वन बाई एस स्क्वायर हो जाएगा टीका है तो टीका आपका वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो उसको निकाल दीजिएगा आप फाइंड द वैल्यू ऑफ फूरियर कोफिशिएंट ए नॉट ए एन एन बी एन फोरियर कोपिशेंट का वैल्यू निकालना है प्रूव डेट जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू डी पावर एन इज टू जेड बाई जेड माइनस ए ऑलरेडी हो चुका है इसको भी आप कर सकते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वन भी आप निकाल सकते हैं इसी बेसिस पे इनवर्स प्लास एस प्लस नाइन बट एस इंटू एस प्लस थ्री ये भी हम बता चुके हैं

तो लॉन्ग डिविजन मेथड से आप निकाल दीजिए फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन गिवेन बाय इसका आपको क्या करना है फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो ऑलरेडी हम ई टू टी पावर माइनस एटी पावर एटी सबका निकाल चुके हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म आप लेक्चर में जाके देखें फाइंड द फॉलोइंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एन थीटा बता चुके हैं हम सॉल्व करवाए थे इस तरह के क्वेश्चन को तो इस तरह से आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ये आपका न्यूमेरिकल पेपर है तो आप पेन पेपर लेके बैठे और इसको सॉल्व करें तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा इसी का ये क्वेश्चन है फाइन द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन बहुत ही आसान है टी क्यू है माइनस टू टी है प्लस वन का आपको लेप्लास पूछ रहा है तो कुछ नहीं टी क्यू का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल थ्री बटे फैक्टोरियल थ्री बटे एस टू डी पावर थ्री प्लस वन हो जाएगा माइनस टू टी का क्या हो जाएगा टी का क्या होता है वन बाई एस स्क्वायर हो जाएगा और वन का क्या हो जाएगा वन बाई एस हो जाएगा तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं फाइन द लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ इसका आपको इन्वर्स लेप्लास निकालना है डिफाइन जेड ट्रांसफॉर्म प्रूव डेट इतना ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको तो ये आपका टू थाउजेंड फोर्टीन का क्वेश्चन है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच